किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो बस इतना याद रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। मैं जय उत्रानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्रानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब ग्रुप का 5th वीडियो लेक्चर। इसके बारे में पहले मैंने 4 वीडियो लेक्चर मीन्स उसके 4 पार्ट बना दिए हैं। उसमें डेफिनेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के थ्योरम, कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड वो सब उसमें डिस्कस किया गया है। तो आइए आज देखते हैं क्या है। आज हम इस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। थ्योरम नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है किसी सबसेट के सब ग्रुप फॉर्म करने की। जैसे ये थ्योरम तो ठीक है, मान लीजिए इसका प्रूफ आप सीख जाओगे, ये थ्योरम भी सीख जाओगे। इसके आगे जैसे कहीं पे भी किसी भी सेट को अगर सब ग्रुप दिखाना होगा तो आपको यही कंडीशन दिखानी रहती है। मतलब ये कंडीशन तो आपको याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे आगे कहीं पर भी अगर आप किसी सेट को, है ना, सॉरी किसी सबसेट को अगर सब ग्रुप दिखाओगे तो आप इसी कंडीशन का यूज करके दिखाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम, लेट एच बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। भाई एम्प्टी होगा तो वो ग्रुप तो फॉर्म करेगा ही नहीं, है ना, सिंगलटन है। कम से कम एक एलिमेंट आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने नॉन एम्प्टी वर्डिंग यूज की है, ठीक है। तो वो एच सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब अगर सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा। इफ एंड ओनली इफ इस साइड ना, ये नेसेसरी और ये सफिशियंट, यहाँ इसको आप कन्वर्स भी कह सकते हो, ठीक है, नेसेसरी पार्ट कन्वर्स पार्ट। मतलब इधर वाला इधर वाले को इम्प्लाइज कर रहा है, फिर इधर वाले को इम्प्लाइज कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इम्प्लाइज करने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम सब ग्रुप लेके चलेंगे, ये कंडीशन दिखाएंगे, फिर ये कंडीशन लेके चलेंगे, सब ग्रुप दिखाएंगे। तो आइए समझते हैं थ्योरम के प्रूफ को, और मैंने यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन पहले से लिख दी है। देखिए पहले हमको क्या करना होगा, एच को सब ग्रुप मान के चलना होगा, इसको दिखाना होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान मत दीजिएगा अभी। मान लीजिए ये जी मैथ का कोई फिगर नहीं होता है, मैंने कई बार बताया है, खासकर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो टॉपिक हैं या लीनियर अलजेब्रा के, है ना, जिसमें ग्रुप और वेक्टर स्पेस ये सब आते हैं। तो हम अपने मन से रफली कोई फिगर बना लेते हैं, उससे चीज़ों को समझते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा और इजी वे में समझ में आए, ठीक है। ये सबसेट है एच, भाई अगर ये स्टार रखा है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो ये भी इस स्टार को रख लेगा। वो कहेगा भाई तुम जो 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो वो मैं अब मैं भी करूँगा, ठीक है। मतलब ये ग्रुप, ये एच भी ग्रुप हो गया, ठीक है। अब एच सब ग्रुप हो गया तो मुझे दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा आप ये बताओ, सब ग्रुप या ग्रुप होने के लिए कौन सी 4 कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इसी 4 कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोजर में क्या होता है कि दो मेंबर उनका कंपोजिशन उसमें आ जाए, अगर वो दो मेंबर आ रहे हैं तो, ठीक है। एसोसिएटिव, 3 मेंबर का कंपोजिशन, दोनों की वैल्यू सेम इधर उधर करके। आइडेंटिटी, उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी है। इनवर्स, उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब देखिए भाई, मान लेते हैं कि इस एच में ये ए और ये बी आता होगा, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से इस बी का इनवर्स भी आएगा, ठीक है। भाई ये ए और बी इस एच में आ रहा था, इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये बी इनवर्स भी इसमें आने लगा। अच्छा आप बताओ, क्लोजर भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्लोजर की हेल्प से ए डॉट बी इनवर्स भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी इनवर्स उसमें एग्जिस्ट, मतलब बिलोंग कर गया, बिलोंग कर गया, यही हमको दिखाना था, प्रूफ हो गया, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेट अस फर्स्ट सपोज दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, भाई ये तो सपोज करेंगे, ये दिखाएंगे, वही मैंने लिख दिया है। एंड ए बी बिलोंग्स टू एच, सिंस एच इज ए ग्रुप, ईच एलिमेंट ऑफ एच मस्ट हैव इट्स इनवर्स। बात सही है भाई, ग्रुप है, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स आता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा इन एच। दस इफ बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बिल्कुल सही है। एंड देन बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर दो चीज का कंपोजिशन, ए आ रहा था बी आ रहा था, ए बी इनवर्स उसमें आ गया, यही नेसेसरी कंडीशन है, ये प्रूफ हो गई। आइए समझते हैं कन्वर्स पार्ट को। यहाँ मैंने लिख दिया है सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट या कन्वर्स बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए क्या करना था, उसमें सब ग्रुप लेके
ए और बी अगर एच में आ रहा है तो ए बी का इन्वर्स भी एच में आएगा, ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब हमको क्या लेके चलना होगा कि ए बी का इन्वर्स एच में आएगा और वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए, ए और बी आ रहा है और ए बी का इन्वर्स आ रहा है, तो अगर ए आ रहा है तो दो बार ए ले लें तो भी उसमें आएगा। ठीक है, और अगर ए बी का इन्वर्स आ रहा है तो ए और ए का इन्वर्स भी आएगा। ये भी बात समझ में आ रही है, मतलब ए और ए के इन्वर्स का कंपोजिशन मतलब आइडेंटिटी भी आ जाएगी। ये भी बात ठीक है, मतलब आइडेंटिटी उसमें बिलोंग कर गई, हो गया। अब देखिए, ए बी का इन्वर्स आ रहा है और आइडेंटिटी हमने उसमें बिलोंग कर दी, तो आइडेंटिटी और बी का इन्वर्स एक जगह आइडेंटिटी आप ले लीजिए। अब देखिए, तीन मेंबर हो गए ना उसमें, ए बी और एक आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो आइडेंटिटी और बी इनवर्स ले लीजिए, तो उन दोनों का कंपोजिशन क्या जाएगा, बी इनवर्स मतलब किसी मेंबर का इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट कर गया। हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। एसोसिएटिव हमको नहीं दिखाना होगा, रीजन रीजन जब आप सब ग्रुप की बात करते हो तो सब ग्रुप के अगर किसी भी सेट की बात करोगे, है ना, सॉरी सब ग्रुप या ग्रुप की जब बात कर लो, मान लो जी कोई ग्रुप है उसका कोई सेट, अभी केवल सेट की बात कर रहे हैं, अभी उसको ग्रुप हम फॉर्म नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो उसके किसी सेट एच की बात कर लें, तो जी अगर ग्रुप है और उसके एच के पी टी कोई भी उसके सबसेट ले लो, ठीक है, वो सब कॉम्प्लेक्स, उनको भाई कॉम्प्लेक्स कहेंगे बिना बाइनरी ऑपरेशन के अप्लाई किए, तो वो सभी कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ये एक नोट करके आप लिख लो, तो कभी भी एसोसिएटिव अगर सब ग्रुप के केस में दिखाना हो ना, मतलब किसी चीज को सब ग्रुप दिखाने के लिए और जी कोई ग्रुप दिया है, तो आप ये नहीं दिखाओगे, ये कंडीशन नेसेसरी है, ये होना तय है। ठीक है, तो बाकी बची तीन चीज, इनवर्स, आइडेंटिटी और क्लोजर, वो तीनों मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई ए बी इनवर्स आ रहा है तो ए इनवर्स आएगा, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, ए बी इनवर्स आ रहा है तो एक ही जगह ई ले लो, ई और बी इनवर्स करो तो इनवर्स आ गया, आइडेंटिटी और ई आ गया। अब बी भी आ रहा है ना, ए आ रहा है तो ए बी इनवर्स की जगह बी के इनवर्स का इनवर्स भी आएगा, है ना, तो ए बी भी उसमें आ गया। यही चीज मैंने यहाँ इतने लंबे में लिखी है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। कन्वर्सली लेट एच इज ए सबसेट ऑफ जी फॉर विच ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये तो हमको लेके चलना है। टू शो दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी वी मस्ट वेरीफाई दैट एच इज क्लोज, क्लोजर प्रॉपर्टी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करानी होगी। एवरी एलिमेंट ऑफ एच हैज एन इनवर्स इन एच, एच के सभी मेंबर उसके इनवर्स रखेंगे, एंड द एसोसिएटिव लॉ होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ दिखाना होगा। ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू ए, मान सकते हैं भाई, है ना, किसी भी दो मेंबर को हम इक्वल लेके मान सकते हैं, क्योंकि ए बी इनवर्स उसमें आ रहा था तो ए और बी को बराबर ले लिए। देन वी सी दैट ए अगर एच में है तो ए इनवर्स का भी, ये तो उसी कंडीशन से, यहाँ से हमने बी इनवर्स की जगह ए इनवर्स कर दिया क्योंकि ए और बी हम बराबर मान लिए हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स उसमें बिलोंग कर जाएगा, ई उसमें आ जाएगा, एक प्रॉपर्टी हो गई। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए, उसके बाद मैंने ये लिख दिया है ना, ये नीचे बाद में है। नाउ फॉर द एलिमेंट ई एंड बी ऑफ एच, वी सी दैट ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, भाई इस ए बी इनवर्स वाले से, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मुझे ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, इनवर्स उसमें मिल जाएगा और बी इनवर्स तो बिलोंग कर ही रहा है ना, सिंस बी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच। ठीक है, वी सी दैट फॉर एनी बी बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब देखिए, यहाँ से इनवर्स मिल गया मुझे, है ना, वो मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, मतलब हर एक मेंबर का इनवर्स भी मिलेगा। अब देखिए, बी भी आ रहा है, बी इनवर्स भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, ए इनवर्स भी आ रहा है, तो यहाँ ए भी ले लिए और इम्प्लाइज करा दिए ए बी इनवर्स, अब हर मेंबर का इनवर्स आ रहा है तो इस बी इनवर्स का भी इनवर्स आता होगा, तो ये बी इनवर्स की इनवर्स हम ऑपरेट कर दिए यहाँ पे, तो जब किसी मेंबर के इनवर्स का इनवर्स क्या देगा, वो मेंबर खुद देगा। ठीक है, मतलब यहाँ बी आ गया, मतलब ए बी भी उसमें आ गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव हमको दिखानी नहीं है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फाइनली सिंस द एसोसिएटिव लॉ डज होल्ड्स फॉर एच, है ना,
इट ऑल्सो होल्ड फॉर एच विच इज ए सबसेट ऑफ जी, मतलब जी के किसी भी सबसेट के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, वो एसोसिएटिव लॉ हमको दिखाना नहीं होता है। तो चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, मतलब एच क्या है, सब ग्रुप हो गया जी का, यही हमको दिखानी थी। आई समझते हैं रिमार्क को। अननेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच एच इनवर्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एच। बस इस कंडीशन का मैं कहीं कहीं आगे वाले थ्योरम से मैं यूज करूंगा, तो इसीलिए मैंने इसको लिख के बता दिया ताकि जब यूज करूं तो आपको पता रहे कि ऐसा होता है अगर कोई ये सबसेट एच सब ग्रुप है ना, एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो सब ग्रुप होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।